अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब? कैसे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? आज भी काफ़ी बंदे मिस हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आवाज़ आ रही है जी। कैसे हैं? माशाल्लाह प्रैक्टिस हो रही है, बीच में गैप नहीं था ना कल के बाद, आज है वो। जब वीक पूरा वीक होता है तो उसमें काफ़ी गैप आ जाता है। कल माशाल्लाह उन्होंने जो मैसेज किए थे काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस है, और माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप अपने ओन पे जो है ना, अपनी फोकस की एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन की और विजुलाइजेशन की कम से कम दिन में जो है ना 5-5 मिनट तो करें ना, 5 से फिर 10 मिनट ले जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा। पहले जैसे मैं रोज़ाना मेडिटेशन करवाती हूँ, आज फिर काफ़ी लोग कम हैं तो फिर भी हमें करवानी पड़ेगी, क्योंकि बाद में किसी टाइम भी जो है ना मीटिंग का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो आज जो 3 फिंगर टेक्निक्स थी कि अल्फ़ा में क्विक जाना हो तो ये 3 उंगलियां जो हैं वो प्रोग्राम कर देंगे, और जब कभी किसी को मैसेज भेजना या कोई चीज़ गुम हो गई है तो उसका पता चलाना, मतलब अल्फ़ा में जब भी जाना चाहे। अल्फ़ा में जाने के बहुत से फ़ायदे हैं, आप मैसेज रिसीव कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आती तो अल्फ़ा में चले जाएं तो आपका जो सबकॉन्शियस है आपको वो सारी चीज़ें बता सकता है। कोई आपको मुश्किल टास्क है समझ नहीं आ रही तो आप 3 फिंगर करें, कोई चीज़ गुम हो गई है, कोई चीज़ याद नहीं आ रही तो 3 उंगलियों को जोड़ें, तो ये अल्फ़ा में चले जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ये गोज़े सिल्फा का मेथड है, 3 फिंगर टेक्निक। तो इसके लिए आप वही रूटीन की जो मेडिटेशन के लिए प्रिकॉशंस होती हैं वही हैं, आराम से बैठना, जो कमर आपकी स्ट्रेट हो, जो भी पोजीशन आपको सूट करती है, पानी पी लें, वही अगर आपको डिस्टरबेंस हो रही है तो एयरफोन लगा लें, नहीं तो आप फोकस होके अपने आप को बैठें, और जब कभी आपको कहा जाए तो उस टाइम आप ऐसे ही मेरी आवाज़ को सुनते रहें, और हर आवाज़ मेरी आवाज़ के साथ आपको रिलैक्सेशन और सुकून के गहरेपन में ले जाएगी। तो ठीक है, फिर हम मेडिटेशन की तरफ चलते हैं और मेडिटेशन करते हैं आज की। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ लीजिएगा। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि ये जो 3 फिंगर्स हैं इनको जो है ना आपकी गोद में होने दो, और गोद से आहिस्ता 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 हमने 7 मिनट के टाइम पे जो हमने इसको कान के पीछे यहाँ तक लेके जाना, वो इतना स्लो जाएगा कि ये खुद ब खुद जाएगा, और आपको फील होगा कि ये खुद ब खुद जाएगा। ये किसी हाथ स्किन को ना टच करे, कपड़े को ना करे, ये सिर्फ 3 फिंगर्स जो हैं वो जोड़ के आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद ऊपर जाएंगे और कान के पीछे जाएंगे यहाँ पे जो आपको जो भी कमांड देनी मैंने कि ये रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। फिर यहाँ से 7.5 मिनट के टाइम पे जो है ना वापसी का सफ़र होगा, और फिर स्लोली आपका हाथ जो है ना खुद ब खुद आपकी गोद में आएगा। तो बस आप इस जो मैं बोलती जाऊँगी, जैसे आप रोज़ कर रहे उसी तरह आप उसी चीज़ पे फोकस रखें तो ये आपका माइंड इस पे प्रोग्राम हो जाएगा। गोज़े सिल्वा की ये बेहतरीन टेक्निक है, यानी जब भी आपने कोई काम करना हो या आपने किसी प्रेजेंटेशन में जाना हो, अपना कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए आपने 3 फिंगर टेक्निक से क्विक अल्फ़ा में जा सकते हैं। क्विक अल्फ़ा में जाने के लिए ये आपको आपके आज प्रोग्राम किया जाएगा आपका माइंड आपकी 3 उंगलियों के साथ। तो आप अपनी 3 उंगलियां जोड़ के अपनी गोद में रखना है हाथ, जो आपके लैप में होगा, जो आहिस्ता आहिस्ता जो 7.5 मिनट के टाइम पे आपके कान के पीछे जाएगा, फिर वहाँ से उतने ही टाइम लगेगा 7 मिनट का वापसी का सफ़र होगा। तो आप स्टार्ट कीजिए, पानी का ग्लास पी लें और इसके बाद भी एक ग्लास पी लें। ये आप अपने से, अगर आपने लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स करनी है तो आप लेफ़्ट हैंड कर सकते हैं, राइट की करनी है तो राइट की कर सकते हैं। जी,
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समन, मैंने आज जो मेडिटेशन करवानी है वो थ्री फिंगर टेक्निक है वोजे सिल्फा की, ये क्विक अल्फा में जाने के लिए। तो उसमें ये बताया कि ये तीनों जो उंगलियां हैं वो अपनी गोद में ऐसे बना के इकट्ठी रखनी है और अपनी गोद से आहिस्ता आहिस्ता 7.5 मिनट के टाइम से वो स्लोली स्लोली हमारे कान के पीछे हैं यहाँ लेके जानी है, यहाँ पर हम उसको प्रोग्राम करेंगे, फिर यहाँ से 7.5 मिनट के टाइम से स्लोली स्लोली वो नीचे वापस जाएगी और आपकी गोद में होगी। तो उसी तरीके से जो पहले रोज़ मेडिटेशन के लिए प्रिकॉशन होती है, पानी पीना, एयरफोन पहनना, रिलैक्सेशन पोजीशन में रहना और बैक स्ट्रेट रखना, तो उसी पोजीशन में बैठ जाइए। तो अब हम शुरू करते हैं थ्री फिंगर टेक्निक। इसके बारे में बेशक आप पढ़ भी बाद में लीजिएगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं और ये कितना काम करती है और ये गोजे सिल्फा की ये थ्री फिंगर टेक्निक है। हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स लेवल तक हम होते हैं और जो हमारा माइंड है उसके अंदर भी मिलियन ट्रिलियंस सेल्स होते हैं। आप एक रिलैक्सेशन पोजीशन में बैठ जाएं और तसव्वुर करें, अपनी सांसों पे थोड़ी देर फोकस करें, लंबे गहरे सांस लें और चंद आती जाती सांसों पे ध्यान दें। अपने आप को फील करें, सो रिलैक्स्ड फील करें। इमेजिन करें कि आप एक पार्क में बैठे हैं, ता हद नज़र दूर तक एक ग्रीनरी है, सामने एक पाउंड है पानी का जिसमें छोटी छोटी मछलियां अपनी खुराक तलाश कर रही हैं और साथ में डक अपने बच्चों के साथ पानी में फ्लोट कर रही हैं। सामने पहाड़ों पर बर्फ़ है और टेम्परेचर भी 30 डिग्री पर है। यहाँ 7 रंग के फूल भी खिले हुए हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, वाइट। अब मैं काउंट करूंगी 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33। यू आर गोइंग टू डीप 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 इन रिलैक्सेशन। 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 21, 20। You are going to deep, 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 deep relaxation. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10. You are going to deep, deep, deep relaxation. 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. 3 दफ़ा आंखें खोलें और बंद करें, 3 दफ़ा लंबे और गहरे सांस लें। आप अपनी फिंगर्स को आहिस्ता आहिस्ता 7.5 मिनट में अपने कानों के पास ले जाएंगे और फिर वापस 7.5 मिनट में आएंगे। थर्टी सेकंड गुजर चुके हैं, अब आहिस्ता से आपकी 3 उंगलियां जो जोड़ी हैं आपके कान के पीछे जाएंगी और 7.5 मिनट के टाइम से जाएंगी स्लोली स्लोली। मैं टाइम आपको साथ साथ बताती जाऊंगी।
अब आपका हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, तीन फिंगर्स जो हैं। योर जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। एक मिनट गुजर गया है, 6 मिनट बाकी हैं आपके हाथ को कहाँ होना चाहिए ये आप को पता है। मिनट गुजर चुके हैं, 5.5 मिनट बाकी हैं। गुजर चुके हैं, तीन मिनट बाकी हैं। चार मिनट बाकी हैं। थ्री फिंगर टेक्निक, 7.5 मिनट में आपकी तीन उंगलियां जोड़ के आपके कान के पीछे जाएंगी। स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं और फिर 7.5 मिनट के टाइम से वापस उंगलियां आपकी लेफ्ट में आएंगी। तीन मिनट का टाइम बाकी है, 4 मिनट गुजर चुके हैं। आपको पता है आपकी फिंगर्स को कहाँ होना चाहिए। स्लोली स्लोली आपका हैंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये खुद ब खुद मूव कर रहा है।
दो मिनट बाकी हैं, ओनली टू मिनट्स रिमेनिंग, इट्स अप टू यू, आपकी उंगलियों को कहाँ होना चाहिए। थ्री फिंगर टेक्निक्स फॉर अल्फा, इसकी प्रैक्टिस हो रही है। तीन उंगलियों को जोड़कर आपने अपनी गोद से 7.5 मिनट के टाइम से अपने कान के पीछे तक लेके जाना है। आपकी उंगलियां, आपका हाथ खुद ब खुद मूव कर रहे हैं और 7.5 मिनट के टाइम पे वापस आना है। जो नए आए हैं वो अपनी तीन उंगलियां जोड़ के वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कान के पीछे लेके, बालों को, कपड़े को, किसी चीज़ को टच नहीं करना। आपकी उंगलियां, आपका हाथ खुद ब खुद मूव करेगा। 1 मिनट बाकी है आपकी पॉकेट में। आपको पता आपकी उंगलियों को कहाँ होना चाहिए। आपका हाथ कानों के पीछे जाए, बॉडी को टच ना करे। आपका हाथ कानों के पीछे है, बॉडी को टच ना करें। आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन प्रोग्राम हो चुका है। आज के बाद जब आप चाहें अल्फा में जा सकते हैं और अल्फा थ्री फिंगर टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ब्रेन को, लेफ्ट और राइट ब्रेन को प्रोग्राम कर दिया गया है थ्री फिंगर अल्फा टेक्निक के लिए। अब से जब भी आप चाहें अपनी तीन उंगलियों को जोड़ेंगे तो आप अल्फा में चले जाएंगे। ये प्रोग्राम आपका लाइफ लॉन्ग काम करता रहेगा। अब से लेके जब भी आप अपनी तीन उंगलियों को जोड़ेंगे आप अल्फा में चले जाएंगे। आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन प्रोग्राम हो गया है। अब वापसी का सफ़र है। 7.5 मिनट में वापस आना है। 15 सेकेंड हो चुके हैं, 7 मिनट बाकी हैं। छः मिनट बाकी हैं, 6 मिनट इन योर पॉकेट गोइंग बैक टू योर लैब। आपके हाथ को, आपकी उंगलियों को वापस आपकी गोद में जाने के लिए 6 मिनट बाकी हैं। स्लोली स्लोली आपका हाथ खुद ब खुद वापस जाएगा। Thank you.
5 मिनट बाकी हैं आपके पास, 5 मिनट्स रिमेनिंग इन योर पॉकेट। आपका राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट ब्रेन प्रोग्राम हो चुका है 3 फिंगर टेक्निक्स अल्फा की। अल्फा की 3 फिंगर टेक्निक्स के लिए आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन प्रोग्राम हो चुका है। चार मिनट बाकी हैं। तीन मिनट बाकी हैं। दो मिनट बाकी हैं। डेढ़ मिनट बाकी है। एक मिनट बाकी है। थर्टी सेकेंड बाकी हैं।
आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन आपकी तीन उंगलियों के साथ एसोसिएट है। आपकी फिंगर को आपकी थाई पर होना चाहिए। आप अपनी तीन फिंगर्स को अपने माइंड में देखिए, आप इमेजिन करें अपनी तीन फिंगर्स को अपने माइंड में, विजुलाइज करें अपनी तीन फिंगर्स को अपने माइंड में। अब आपकी थ्री फिंगर्स टेक्निक आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन में प्रोग्राम हो चुकी है। आज से आप ज़िंदगी में जब कभी अल्फ़ा में जाना चाहें, इसको इस्तेमाल करना चाहें, तीन फिंगर्स को आप जोड़ेंगे, आप अल्फ़ा में चले जाएंगे। ज़िंदगी के बड़े फैसले करने हों, ज़िंदगी में कोई ऐसा कयन हो जहाँ पे आपको समझ ना आ रही हो, जहाँ पे आपने किसी को मैसेज सेंड करना हो, यहाँ से रिसीव करना हो, या किसी प्रेजेंटेशन मीटिंग में जाना हो, आप उस चीज़ को विजुलाइज करें जो आप चाहते हैं। आप थ्री फिंगर टेक्निक को इस्तेमाल करके ये सब रिजल्ट ले सकते हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत रिलैक्स हैं, आप बहुत कंफर्टेबल हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप ज़िंदगी में आप हर सिचुएशन को लॉजिक से देखते हैं। आपको चीज़ें वक्त से पहले पता चलती हैं और उसका सलूशन भी आपके माइंड में है। आपका दिमाग के अंदर बहुत सारे विजडम, बहुत सारे फिलासफर, डॉक्टर, इंजीनियर, हर तरह की सलाहियत है। आपके हर मसले का हल आपके अपने दिमाग के अंदर है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिया है आपको। जो चीज़ें वक्त से पहले पता चलती हैं उसका सलूशन भी पता चलता है। अब से आपको बहुत सी चीज़ें वक्त से पहले जो पता चलेंगी, उसका तीन दिन हफ्ता पहले आपको पता चलेगा, साथ सलूशन भी पता चल जाएगा। आपका अपना माइंड, उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। उसमें बहुत से डॉक्टर, फिलासफर, विजडम, सब चीज़ें उसके पास हैं। हर तरह का सलूशन, हर तरह की मसाइल का हल आपके पास है, आपके अपने दिमाग में है। आप बहुत रिलैक्स हैं, बहुत खुश मिजाज हैं, आप खुश रहना पसंद करते हैं, खुशियां बांटते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। अब मैं एक से लेकर 10 तक गिनूंगी और आहिस्ता से आप अवेयरनेस में आएंगे और अपनी आंखें खोल देंगे। 1, 2, 3, 4, पूरी तरह से अवेयर हैं, जिस जगह पे बैठे हैं उसको फील करें। 5, 6, पूरी तरह आप अलर्ट स्टेट में। 7, 8, पूरी तरह कॉन्शियस। 9, 10, वाइड अवेक। आहिस्ता से अपनी उंगलियों को अपने आँखों पे रखिए और आँखें खोल दीजिए। और पानी पी लें। जी कैसे हैं? मेरे ख्याल से टाइम काफ़ी वो है, थोड़ी सी पैरासाइकोलॉजी के ऊपर भी बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन हुए तो आप भेज दीजिएगा, कोई क्यूरी अगर नहीं अच्छी, जिस किसी का आज प्रो लगता है कि वो उतना विजुलाइज और इस तरह से काम नहीं हुआ, तो इसकी जो है ना वीडियो भेज दूंगी, तो आप फिर से कीजिए और जितनी बार कीजिए ताकि आपका ये जो है ना अच्छे से काम करने लगे और प्रोग्राम हो जाए। पैरासाइकोलॉजी क्या चीज़ है? ये मेंटल जो उसकी स्टडी है, जिस तरह से टेलीपैथी है, ये नॉर्मल जो फिजिकल एक्सप्लेनेशन है उससे हट के है। और पैरासाइकोलॉजी है क्या? पैरासाइकोलॉजी जो स्टडी है वो एक्स्ट्रा सेंसेस, सेंसरी परसेप्शन, एक हमारी जो फाइव सेंसेस हैं उसके बियॉन्ड जो सेंस होती है उसको ESPR कहते हैं। तो उसमें टेलीपैथी आती है, उसमें प्री कॉग्निशन है, वक्त से पहले, जो दावेदार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वक्त से पहले चीज़ों का पता चल जाना, दिमाग के साथ चीज़ों को मूव करना, उसको टेलीकाइनेसिस कहते हैं। किसी चीज़ को, किसी इंसान के कपड़े को, मेटेलिक चीज़ें, घड़ियाँ या कोई उसके यूज्ड की चीज़ें जो हैं वो उन चीज़ों से जो सेंस करके उस पर्सन के बारे में जान लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं जो गैर मामूली तौर पे इंसान सेंस कर लेता है उसकी ये सारी मिसालें हैं। जिस तरह से कुछ लोगों को डेथ से पहले भी कुछ चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती हैं, इन सारी चीज़ों को पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। और पैरासाइकोलॉजी जो है वो साइंस नहीं है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि पैरासाइकोलॉजी जो उसमें रिपीटेड रिजल्ट एक जैसे नहीं आते। काफ़ी हद तक इन्होंने इसको साइंस में ही किया, लेकिन फिर उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस पर सेंसरी लीकेज का इनको था कि जो आँखें अगर बंद करके भी ये आगे जो एक्सपेरिमेंट आएंगे कि किस तरीके से ये जो जर्नार कार्ड है तो वो यूज़ होते हैं टेलीपैथी में, इसमें ये 5 किस्म के जो शेप्स हैं ये शेप्स जो है ना बनाई जाती हैं और फिर उसके बाद इकट्ठे रखे जाते हैं और आंखों के ऊपर पट्टी बांध के, तो फिर दूसरा जो पर्सन होता है उससे ये चीज़ पूछी जाती है कि अभी आपके माइंड पे किस तरह की शेप जो है ना वो बनी है। तो फिर इस तरह से 25 कार्ड होते हैं और ये 25 कार्ड जो है ना उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके वो इंसान को इस चीज़ की आदत हो जाती है और वो टेलीपैथी अच्छे से काम करने लगती है। ये इसके बारे में आगे डिटेल में आएगा, मैं थोड़ी सी ये जो इसकी हिस्ट्री है थोड़ी थोड़ी बता रही हूँ, और ये जो कार्ड हैं इसके ऊपर कैसे ये काम करेंगे ये पूरा प्रोसीजर आएगा आगे, किस किस तरीके से हमने करना है वो डिटेल आपको पता चलेगी, फिर आप खुद भी इस तरह के कार्ड बना के तो उसके ऊपर जो है ना प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो पैरासाइकोलॉजी टर्म है सबसे पहले कब यूज़ हुई थी, ये JB राहिन ने 1930 में की, उसके बाद फिर उन्होंने एक अल्टरनेट टर्म इसको दी, जो इसको साइकोलॉजिकल रिसर्च उन्होंने इसका नाम दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि उस पर उन्होंने ये किया कि एम्पिरिकल जो मेथाडोलॉजी यूज़ की, डिसिप्लिन यूज़ किए, तो जो इसका जो है इसका ग्रीक जो वर्ड है उसके मीनिंग है अलॉन्ग साइड, बिसाइड, नियर, रिजेंबलिंग। पैरासाइकल, पैरा का मीन होता है कि उसके साथ साथ, उसके बियॉन्ड, अपार्ट फ्रॉम एंड अबनॉर्मल। जिस तरह से हमारे बॉडी में पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं उसको पैरा इसलिए कहते हैं कि वो एडजस्ट करता है थायराइड को। इसकी और एग्जांपल भी हैं, जिस तरह से पैरा अम्बलाइकल, जिसके मीनिंग है अलॉन्ग साइड द अम्बलाइकस, जो बली बटन है, तो इसलिए इसको अलॉन्ग साइड कर दिया कि इसमें साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वर्क नहीं करती, आपको ये चीज़ें पता है कि ये इंडिविजुअल बेस्ड हैं, इसलिए साइंस से निकाल दिया, इसको सूडो साइंस कह दिया। और फिर इसके बाद एक जो ब्रिटिश जर्नल पब्लिश हुआ उसमें इसको जो डिस्कस किया गया उसमें लिखा विद एंड साइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी जो है वो जो साइकोलॉजी PSI जो है उसको एक नॉन फैक्टर है, उसको ESPR एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन एंड साइकोकाइनेसिस, इसकी जो फिजिकल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसलिए ना बायोलॉजिकल है। तो इस टर्म को जो ये जो जो लफ्ज़ है ये ग्रीक का PSI जो है 23rd लेटर है, जिस तरह से हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ABC हैं, तो ये ग्रीक का जो लफ्ज़ है 23rd उसका PSI है। और इसके जो इनिशियल लेटर हैं PSI के उसके माइनिंग है माइंड और सोल। और ये टर्म जो मतलब जिस इस टर्म्स को क्रिएट किया था वो था बायोलॉजिस्ट, था जो साइंटिस्ट है बर्टोल्ड वेस्नर, और फर्स्ट टर्म उसने इसकी यूज की थी 1942 में, और इस जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो पिछली मैंने बताई है।
और ये एडवर्ड्स फ्रेंड्स के लिए, ये भी ये ESPR, ये बानी है ये दो लोग जो है ना ESPR के। तो ESPR क्या है, ये एबिलिटी होती है कि कोई ऐसे हम चीज़ों को सेंस करना बगैर जो फिजिकल सेंसेस यूज़ किए, जिस तरह हम पांच सेंसेस हैं, देखना, सूंघना, चखना, टेस्ट करना, इसके अलावा जिस तरह से चीज़ हमारी बॉडी किसी चीज़ को सेंस करती है, जिसको हम छठी हिस्स भी कहते हैं, तो ये उसको ESPR कहते हैं कि छठी हिस्से चीज़ों को सेंस करना। आपको ये चीज़ पता है कि हमारे बॉडी में 50 से ज़्यादा सेंसेस हैं। ये अलग बात है कि हम सिर्फ पांच सेंसेस को जानते हैं। देखिए, जो सेंस ऑफ बैलेंस भी है, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम भी है, सेंस ऑफ टेस्ट भी है, जो सेंस जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है उसको जो सेंस करता है, अल्लाह ताला ने हमारे माइंड में सेंसर लगाए हुए हैं। तो ये डिफरेंट सेंसर हैं जो कि हमारी जो विजिबल जो पाँच सेंसेस हैं उसके बियॉन्ड है। तो इस तरह से हमारी जो टेलीपैथी है, जो टेली कम्युनिकेशन हम सीख रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें हैं कि इन पांच सेंसेस के अलावा भी कुछ लोगों के अंदर इनबिल्ट काफ़ी ये चीज़ ज़्यादा होती है, और कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब अपने आप को शौक से ट्रेंड कर लेते हैं, वो अलग किसी मराकबे से भी ट्रेंड हो जाते हैं, कोई जो मेडिटेशन है उससे भी ट्रेंड होते हैं, कि जो हमारी फाइव सेंसेस हैं या हमारी थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं उनको कंट्रोल करके तो अपनी बॉडी को ट्रेंड कर लेते हैं, कि अपनी बॉडी से चीज़ें मूव भी कर लेते हैं और बॉडी से चीज़ें सेंस भी कर लेते हैं। यहाँ तक ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ लोगों इतना ज़्यादा, जिसको ये भी कहते हैं कि दूसरे के सेंस करके, आजकल ये बड़े है भी कि लोग दूसरे को, ये एक प्रोफेशन भी बना हुआ है कि दूसरों के पास्ट का बताना, फ्यूचर का बताना, प्रेजेंट का बताना, तो वो उसमें यही करते हैं कि उनकी बॉडी सेंस करती है। जिस तरह से अगर कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, तो आपने अगर थ्री फिंगर टेक्निक यूज़ की, आपके पास कोई पर्सन आया, आपने बगैर बात किए, बगैर कोई क्वेश्चन किए, जो चीज़ें सेंस की जाती हैं वो जो है ना टेली कम्युनिकेशन है, वो जो है ना टेलीपैथी है। तो उसमें आपने या तो वैसे ही फोकस किया, क्योंकि हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, प्रैक्टिस करके तो हम इतने ज़्यादा आदित हो जाते हैं कि जैसे ही कोई पर्सन आपके सामने आएगा, शुरू में तो ये होता है कि आपका उस पर्सन के साथ बाउंड हो, वो आपका दोस्त हो, आपके करीबी हो, कि आपके साथ एक उसकी कम्युनिकेशन बाउंड बनाओ, कि एकदम से आपकी जो है ना रेपो बिल्ड हो। आहिस्ता आहिस्ता बाद में चाहे वो पर्सन आपके पास हो ना हो, आप उसको सेंस कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो अब इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप बात करते ही आपको फ़ौरन कफ आना शुरू हो जाएगी, पता चलेगा ये बंदा खांसी करता है, वो सॉरी स्मोकिंग करता है। तो इस तरीके से आपके पास कोई पर्सन आया तो उसको जिस हिस्से में पेन हो रहा है, आपको फ़ौरन उसी हिस्से में पेन शुरू हो जाएगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ें, हो सकता है कि आप सबको इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस हो भी रही हूँ लेकिन आपको पता ना हो। शुरू में मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने आपको आपसे मिलवाना है, तो उसमें यही चीज़ें कि हो सकता है कि आप सारों को इस तरह के एक्सपीरियंस हो रहे थे लेकिन पता नहीं था कि ये क्या है। तो अब इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सारी सीखेंगे कि ये कैसे काम करती है। अभी वो आया तो नहीं है ना, टाइमर तो नहीं आया जी, कोई मुझे बताया नहीं आया ना। अच्छा, तो चलें, अभी इसका मतलब 10 मिनट तो है ना, मुझे टाइम की शॉर्टेज होती है तो मैं और ज़्यादा वो हो जाती हूँ कि वो कितना जल्दी बोल सकूँ तो बोलो। अच्छा, तो इसमें ये है कि ये तभी आएंगी चीज़ें कि हमारी बॉडी सेंस कर लेती है। इसमें ये भी इतना होता है कि कुछ लोगों को इतना ज़्यादा वो ट्रेंड या उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो जाती है कि वो हर किसी दूसरे का पेन है, दर्द है, वो उनको फील होने लगता है। अब जैसे कोरोना था, तो कितना कोरोना के दौरान काफ़ी चीज़ें ऐसे सेंस होती थी। मैंने पिछले भी बताया कि मैं जब कभी किसी मार्केट कहीं जाऊँ तो मेरे एकदम से लंग्स में पेन स्टार्ट हो जाती थी और मुझे लगता था कि यहाँ इर्द गिर्द ना किसी लोगों में ये प्रॉब्लम है। तो समटाइम तो ऐसा भी है कि अगर इतनी बॉडी आपकी हैबिचुअल हो जाए, बार बार दूसरे की चीज़ें भी सेंस कर ले, तो उसमें जब तक आपको पता ना हो कि ये मेरा पेन नहीं है, ये किसी और का जो है ना वो मैंने सेंस किया हुआ है, तो वो खुद ब खुद टाइम के साथ वापस जाता है। तो अगर हमें इस नहीं पता होता, बहुत से लोगों को देखें टेस्ट भी करवा रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें उनके सारे एक्सरे हो रहे हो रहे सब कुछ, लेकिन वो ठीक है, लेकिन वो पेन फील कर रहे होते हैं और वक्त के साथ सबसाइड होता है। वो यही चीज़ होती है कि उनकी बॉडी ने सेंस किया होता है और वो पता नहीं होता इंसान को कि ये क्या है। और इसी तरह के जिस तरह आप लोगों के साथ भी हैं कि कुछ ने शेयर भी किया कि वक्त से पहले ख्वाब ऐसे आ जाते हैं और उसके बाद वही चीज़ हो रही होती है कि वो बंदा सोचता कि तो मैंने पहले देखा था, ये कैसे, ये ठीक भी है या नहीं है। वो यही चीज़ें कि आपकी जो है ना वो टेलीपैथी या आपकी बॉडी सेंस कर रही है, जो प्री कॉग्निशन है, वक्त से पहले चीज़ें बताती है, पोस्ट कॉग्निशन है, जो आने वाले वक्त में है वो भी होता है। ये उन्होंने लिखा कि एम्पैथी फील होती है इवन
बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल एम्पैथी भी फील होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो होती हैं, और अगर कुछ को नहीं भी होती तो वो ये इस प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। पैरासाइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये सारी एसोसिएशन रही, कब कब रही हैं ये, 1930 से लेके 1942, और फिर अच्छा उन्होंने कहा कि समझ आ गई है मुझे, ठीक है। तो फिर जो इसकी जो साइंटिस्ट है उसका मैंने बताया कि उन्होंने फिर कोशिश की कि एडवांस पैरासाइकोलॉजी को साइंस में एक्सप्लेनेशन करें उस फील्ड में, उन्होंने फिर उसकी ब्रांचेस भी की, और ये APA का जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसमें भी इनको जो है ना एफिलिएशन मिली। तो ये अभी तक जो है ना ये स्टिल उसके साथ 2009 तक ये एसोसिएट है पैरासाइकोलॉजी वाले। ये जैसे पहले बताया कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है क्या, ये वही एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो है ना, टेलीपैथी कम्युनिकेशन विद थॉट्स, टेलीकाइनेसिस द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये मैंने पहले भी बताया, और आप एक्सपेरिमेंट आप खुद जितने लेवल तक जाना चाहते हैं, ये आपकी ड्राइविंग है, आपने ड्राइविंग करनी है, आप अपने माइंड से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। फिर उसके ऊपर डिपेंड भी करता है कि आपकी यूटिलिटी क्या है, आपने इसको यूटिलाइज किसके लिए करना है। हमेशा कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। तो आप लोगों का क्या मोटिव है, मेरी तो आपसे यही एक्सपेक्टेशन होगी कि इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, दूसरों के बेनिफिट्स के लिए यूटिलाइज करें, अपने रिलेशन को बेहतर करने के लिए करें, और हमेशा किसी को हीलिंग के लिए करें। और जो प्रीकॉग्निशन है वो इसका मतलब है कि इंसान के अंदर ये एबिलिटी हो जाती है कि वो प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर इवेंट्स को। साइकोमेट्री ये है कि रीडिंग द पास्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, और ये जो मैंने पहले आपको बताया कि कुछ चीज़ें जिस तरह से आपको अभी इन चीज़ों का भी पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी में कितना लोग कहते हैं कोई किसी के कपड़े लेके आए यूज्ड, तो हम बताएंगे कि ये पर्सन कैसा है और ये किस तरीके से इसके साथ क्या इश्यूज़ हैं। तो ये वही चीज़ होती है कि वो जो पर्सन की यूज चीज़ होती है, चाहे वो घड़ी है, मेटेलिक है, लोहे की है, प्लास्टिक की है, कपड़े हैं, उसमें वो जो एनर्जी उसने यूज़ की है तो उसमें उसकी एनर्जी ट्रांसमिट हुई है, वो जो एनर्जी ट्रांसमिट हुई है तो वहाँ से वो सारी चीज़ें सेंस होती हैं कि इस पर्सन के अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, ये उसकी आदतें हैं, ये वो उसकी जो है ना जो उसके फ्यूचर में क्या होना है और उसके पास्ट में क्या हो चुका है, वो ये सारी फ्यूचर का सारा इलम अल्लाह के पास है, वो गैब का इलम खुदा जानते हैं, लेकिन ये एनर्जीज हैं कि जो इंसान जो उस जिस तरह आवाज़ है वो साउंड है वो एनर्जी है, कलर है वो एनर्जी है। तो एनर्जी जो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये सब चीज़ें एनर्जी हैं, इसलिए इस कायनात में कोई चीज़ ना तो एनर्जी ना बनती है ना ख़त्म होती है, हाँ ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये सारी इसके पीछे ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान को ये पता चल जाता है कि उसे गैब का इलम है, गैब का इलम नहीं है, ये एनर्जी और इस कायनात में मौजूद होती है, इसलिए जब मौजूद है तो वह सेंस करके वो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इसी उस पर ये कोट भी है कि व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट, जब इसमें शाहरुख खान का डायलॉग भी है कि जब मैंने तुझसे मिलने की तमन्ना की, कायनात के हर जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की, तो वो यही चीज़ है कि जो यूनिवर्स में सारी चीज़ें उनके साथ क्या है फ्रिक्वेंसी मैच होती है, फ्रिक्वेंसी मैच होती है तो क्या होता है कंपल्शन, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील होती है, तो जो एक जैसे फ्रिक्वेंसी मैच होगी तो वो एक तरह का वो सारा मटेरियल हो जाता, मैं उनकी मैट्रिक्स मैच कर जाती हैं, तो ये होता है जिस तरह मैंने मैग्नेट की भी मिसाल दी। तो हमने यही जो चीज़ हमें चाहिए उसके बारे में हम सोचे, जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचे, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि जो चीज़ हम सोचेंगे वही हमारी तरफ आएगी, जो नहीं चाहिए उसको हम माइंड में जगह ना दें,
क्योंकि फिर वो जब चीज़ें जो नहीं चाहिए उनको जब हमने माइंड में जगह दी तो वो भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगी। इसलिए बहुत अच्छे से अब चीज़ें ये समझ लें कि हमने हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। जैसी एनर्जी हमने अपने माइंड में रखी होगी, जैसी थॉट हमने रखी होगी, उसी तरह के लोग, उसी तरह के इवेंट, उसी तरह की सिचुएशन हमारी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और वो हमारी ज़िंदगी में आएंगी। इसमें भी वही चीज़ें जो पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं कि ये इसको इसीलिए यही चीज़ है कि इसको ये कहा कि दूसरी आँख है और दूसरी साइट है, तो कुछ इसमें जो साइंस है वो इस चीज़ को नहीं मानती। चीज़ों को जैसे पहले से बता देना, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो जैसे साइंटिफिक एविडेंस नहीं है लेकिन काम तो आपने देखा कि ये काम करती है। ये पर्सनल एक एक इंसान का एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस होता है, इसलिए इसको सूडो साइंस कहते हैं, पैरासाइकोलॉजी को। ये अगेन वही चीज़ें कि ये 23rd लेटर है और 10 लेटर है ग्रीक का जो अल्फ़ाबेट है, और इसमें दो रेजेज होती है, एक गामा रेज होती है और एक कापा रेज होती है। गामा में जो है वो सेंस करते हैं और कापा में जो है ना टेलीकाइनेसिस के उसके साथ चीज़ों को मूव करते हैं। तो रेजेज ही है ना, हम सारे रेजेज हैं, ये हम सारी लहर की, लहरों की दुनिया है। ये हमारी आवाज़ की भी जो लहर है, जब देखें इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो लहरें ही, हम जो देखते हैं वो भी लहरें, जो देखते हैं तो हमारी आँख के पर्दे में वो एक अक्स बनता है। उस अक्स को जब हम उतनी देर एक पे ही फोकस रखेंगे कि कोई दूसरी चीज़ उसको नहीं, स्टिमुलस दूसरी नहीं मिलेगी, तो वो दूसरा अक्स माइंड पे नहीं बनेगा। तो इसमें जब प्रैक्टिस की जाती है किसी एक चीज़ पे फोकस करना, तो दिमाग इस चीज़ का आदी हो जाता है कि वो चीज़ों को फोकस करता है। तो जब फोकस होती है तो फोकस में 15 सेकंड तक दूसरी चीज़ विजुअल हमारे दिमाग के पर्दे पे आती है। तो जब हमने 15 सेकंड तक एक ही चीज़ को रखा तो बहुत सी बीमारियां, जिसको OCD है, जिसमें बंदे की हैबिट चेंज होनी है, वो इंसान कर सकता है। इसी तरह जो लोग फोकस और मेडिटेशन करते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो जो चाहें, अपनी बॉडी उनके कंट्रोल में होती है, उनका माइंड उनके कंट्रोल में होता है, वो अपने माइंड के मास्टर हो जाते हैं। वो जो चाहें कर सकते हैं, वो अपने आप को पेन को एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं, पेन को ख़त्म कर सकते हैं अपने आप को मैसेज देके। और पिछले जो बैच था टेलीपैथी का, वो माशाल्लाह उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे। वो टाइम मिला तो मैं उनकी ऑडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी और उनके एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। उनमें से एक को कॉन्स्टिपेशन थी और उन्होंने अपने आप माइंड से अपने आप को मैसेज दिया और उनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। उसमें से एक किसी को मेंसेस के इशू थे कि वो बार बार उनको प्रॉब्लम हो रहे थे, उन्होंने अपने आप को मैसेज दिया अपने माइंड को, वो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो ये एक स्टेट ऐसी आती है, प्रैक्टिस के साथ आती है, कि हम अपने माइंड के खुद मास्टर बन सकते हैं। टाइम मुझे बताइए गया, क्या टाइम रह गया, कितना टाइम है? अगर कोई क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। 2 मिनट है मैम, 3 सॉरी। तो क्वेश्चन कर लें फिर, 3 मिनट है। तो ये टाइप्स हैं, ये इसमें वही चीज़ें हैं कि जो मुख्तलिफ वक्त से पहले बताना, इंट्यूशन, इमोशनल टेलीपैथी और ये जो सुपर, जो हमारे इसमें हमने पढ़ा था ना कि एक जो इंसेस्टर की कॉन्शियसनेस है, तो ये वो भी हमारे साथ होती है कि वो भी हमें जो है ना टेलीपैथिक मैसेज भेज रहे होते हैं। ये ज़्यादातर जो मेडिटेटर है ना उसको ये चीज़ समझते हैं। इमोशनल टेलीपैथी वो ये है कि अपने इमोशंस किसी को ट्रांसफ़र करना और रिसीव करना, और रिट्रो कॉग्नेटिव और प्री कॉग्नेटिव, जो मतलब पास्ट में हो चुका है, जो आने वाला है वो दूसरे के माइंड से परसीव करना और उसको भेजना। तो ये आपने देखा हमारे यहाँ कितने लोग कर रहे हैं, वो उनके पास नॉलेज होता है, उनके पास कोई गैप का इलम नहीं होता, उन्होंने अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को ट्रेंड किया होता है कि वो आपके पास्ट का भी बता सकते हैं, आपके फ्यूचर का भी, इंट्यूशन भी उनको होती है। तो वो यही चीज़ होती है कि वो अपने से जी, ये कह तो रहे हैं लोग के दुनिया से जो जा चुके हैं उनसे भी कांटेक्ट होता है। हम भी तो ये कहते हैं ना, हम उनके लिए जो दुआएं भेजते हैं तो वो जो हम एनर्जी है, तो वो दुआओं की सूरत में तो एनर्जी हम भेज रहे हैं, जो हमारे मज़हब में हम इसमें करते हैं ना कि हम दो जो चले जाते हैं उनके लिए हम पढ़ के तो दुआ करते हैं कि उनकी शिफा के लिए। तो ये कह रहे हैं, ये जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो दुनिया से जा चुके हैं उनसे भी कम्युनिकेशन हो सकती है, जिस तरह हम दुआएँ करते हैं, उनको माफ़ करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। जी रणबीर बताए, बोलिए। अच्छा मैम, ये जो 3 फिंगर टेक्निक है, ये बंदा दोनों हाथों से भी कर सकता है या दोनों हाथों को जोड़ के भी कर सकता है?
दोनों हाथ को मीन ऐसे इकट्ठा, ऐसे दोनों को मिला के भी कर सकते हैं। अभी तो प्रोग्राम हो गई है तीन फिंगर। एक्चुअली मैम मैंने बचपन में सीखी थी, सिल्वा मेथड में सिखाते थे जी। आपने किया थ्री फिंगर? हाँ मैं बचपन में अबू ने सिखाई थी, तब 6-7 साल के थे। अच्छा, तो कोई चीज जबरदस्त। तो आपकी तो पहले से प्रोग्राम होगी ना, आप दोबारा ना करें? काम कर रही है ना आपकी? आपकी आवाज नहीं आ रही।